हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है तुलसीदास जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th NCERT के हिंदी के एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएँ लिखनी बताऊँगा कि आप किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, आपके क्लास 10th NCERT के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के खे में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको तीन कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? तीन कवियों के। उनमें से दोस्तों आपको एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की रचना होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है और रचनाएं हैं, आप उन्हें किस तरीके से हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है तुलसीदास जी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? तुलसीदास जी। इसके बाद दोस्तों आपको एक और हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको इस हेडिंग में लिखना है तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम माना जाता है। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम श्री मती हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नर हरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। वे उसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उससे अत्यधिक प्रेम करने लगे। इस पर इनकी पत्नी ने इनका अपमान किया, जिससे तुलसीदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और ये राम के अनन्य भक्त हो गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के असी घाट पर हुई। तो दोस्तों, ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सेम इसी तरीके से। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है रचनाओं पर, कि आप किस तरीके से तुलसीदास जी की रचनाएं बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। दोस्तों याद रखना, आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। कितनी रचना का? केवल एक रचना का। मैंने यहाँ आपको 3-4 रचनाओं के नाम लिख के दिखा रहा हूँ, वो इसलिए ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद हो सके और जो उन सी रचना आपको अच्छे से याद हो उस रचना का नाम लिख सके। ठीक है ना। लिखना आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में एक ही रचना का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं, और उस हेडिंग में आपको लिखना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि। तो दोस्तों, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की लिखी हुई रचनाएं हैं, जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। एक थी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि। ठीक है। अब दोस्तों, इनमें से कौन सी रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाए, एक रचना का नाम आपको क्या करना है, हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना। हिंदी के बोर्ड एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम दें तो उसमें केवल एक ही रचना का नाम लिखें। और दोस्तों, जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखें तो एक बात का ध्यान रखें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मेन बातें हैं, उन्हें दोस्तों आप काले पेन से लिखें। जैसे दोस्तों, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे, तो राम भक्ति शाखा मैंने
रेड पेन से यहाँ लिख के दिखाया, परंतु आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज नहीं करना, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, यहाँ नीला और यहाँ ब्लैक, ठीक है। जो सन है वो आपको दोस्तों ब्लैक पेन से दिखानी है, जो जिला है वो भी आपको ब्लैक पेन से दिखाना है, जो गांव है वो भी ब्लैक पेन से दिखाना है, पिता का नाम ब्लैक पेन से दिखाना है, माता का नाम भी ब्लैक पेन से दिखाना है, इनके गुरु का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है, इनकी पत्नी का नाम ब्लैक पेन से लिखना है, और दोस्तों इनकी जो मृत्यु की तिथि थी और जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वो भी दोस्तों आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, ठीक है ना। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो जीवन परिचय जब आप लिखोगे इस तरीके से, यहाँ से जो छोरी है वो नीली पेन से और जो मेन मेन बात है वो काले पेन से यदि आप लिखते हो तो आपका जीवन परिचय और भी अच्छा लिखा जाता है, और हो सकता है दोस्तों जो एग्जाम ना रहे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे दे, मतलब पूरे में से पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस तरीके को अपनाना है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।